हे गाइस, वेलकम टू अर्पिता स्पेस। मेरा नाम है अर्पिता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी जिसका नाम है कढ़ी पालक पकोड़ा। ये एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और क्योंकि हमने इसमें पालक भी मिला दिया है तो ये बहुत हेल्दी भी हो गई है। तो आइए देखते हैं कढ़ी पालक पकौड़ा कैसे बनाया जाता है। लगातार देखने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करें। इसी के साथ नीचे दिए गए बेल आइकन यानी कि घंटी के सिंबल को क्लिक करें। कढ़ी के लिए पकोड़े बनाने के लिए मैंने लिया है बेसन, ये मैंने 3 बड़े चम्मच लिया हुआ है, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा घिसा हुआ, 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1 छोटी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हींग पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, भुना जीरा पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, ये सौंफ पाउडर ये मैंने लिया हुआ, ये भी मैं 1/2 चम्मच यूज करूंगी, ये दरदरी पिसी हुई सौंफ है, ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे ना डालना चाहें तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ये बेकिंग सोडा या मीठा सोडा मैंने लिया हुआ है, ये हम 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे। पानी 1/4 से 1/2 कप हमें इसमें चाहिएगा। ये चाट मसाला पाउडर ये भी मैं 1/2 छोटा चम्मच इसमें लूंगी। कढ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, ये सिर्फ 2 छोटे चम्मच बेसन मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 1 छोटा चम्मच, 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा घिसा हुआ, 1/2 कटोरी पालक इसको मैंने धोकर बारीक काट लिया है, दही 1/2 कप से थोड़ा सा ज्यादा है ये दही, तो इसको मैं पानी में मिलाकर पतला करूंगी। अगर आपके पास पहले से ही छाछ हो तो आप 1/2 लीटर छाछ का भी इसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मसालों में मैंने लिया है हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, जीरा 1/2 छोटा चम्मच, राई 1/2 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 से 1/2 छोटा चम्मच, जितना तीखा आप पसंद करें, नमक स्वादानुसार, ये टाटरी है या सिट्रिक एसिड भी इसको कहते हैं जिससे खटाई आती है कढ़ी में। दही को भी आप हो सके तो 2-3 घंटे पहले निकाल के बाहर रख दें ताकि वो खट्टा हो जाए, और वैसे ये टाटरी ये सिट्रिक एसिड है, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है, तो ये हमें 1/4 छोटा चम्मच इसमें डालना है, लगभग 1 चुटकी के बराबर। इसके अलावा मैंने तेल लिया है इसमें 2 छोटे चम्मच लगभग, इसमें हम तेल यूज करेंगे। मैंने इसमें सरसों का तेल यूज किया है क्योंकि सरसों का तेल इसमें बहुत टेस्टी लगता है। इसके अलावा पानी लगभग हमें 2 से 3 कप लग जाएगा। कड़ी में छौंक के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है घी, घी 1 से 1.5 छोटा चम्मच हम लेंगे काम में, कड़ी पत्ता 5-6 कड़ी पत्ता, 2 लौंग, 1 साबुत लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच राई, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, हींग 1/2 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चुटकी, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने थोड़ा सा बस कलर के लिए। तो अब कढ़ी बनाने के लिए मैं सिर्फ 2 छोटे चम्मच बेसन यूज करूंगी, ये मैं अलग रख दूंगी, बाकी सबके मैं पकोड़े बनाऊंगी। अब इसमें मैं सारे सूखे मसाले मिला दूंगी, तो मैंने इसमें पहले ये नमक मिला दिया है, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, सौंफ पाउडर, हींग पाउडर और आखिर में ये मीठा सोडा। अब हम इन सबको एक बार मिक्स कर देंगे सूखे मसालों को बेसन के साथ, और अब हम इसमें ये प्याज, हरी मिर्च और अदरक मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पानी मिलाएंगे, पानी हम बहुत ध्यान से मिलाएंगे क्योंकि ये ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए। चाट मसाला पाउडर मिला दिया है, इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो अब हमारा ये पकौड़ों का घोल तैयार है, अब हम इसको अप्पे पैन में बनाएंगे ताकि इसमें कम से कम तेल यूज हो, तो ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए पकौड़ों के लिए। तो आप इस अप्पे पैन में हम थोड़ा सा तेल गरम कर देंगे, तेल हम बिल्कुल कम डाल रहे हैं इसमें, 2-3 बूंदे बस, इस तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। आप देख सकते हैं मैंने 2-3 बूंदे तेल मिलाया है, तो इससे डीप फ्राई नहीं होंगे, तो इसको हम आराम से खा सकते हैं। तो अब हम लगभग 3/4 चम्मच एक बार में बेसन लेंगे और हर एक खंड में ये मिश्रण जो है ये मिला देंगे, इसको
तरीके से। गैस को अभी हमने फिलहाल हाई पर ही रखा है। ये सब मिलाने के बाद हम इसको मीडियम लो फ्लेम पर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये पकौड़े थोड़े से फूलने लगे हैं अपने आप ही, क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला था। अब हम लगभग एक मिनट बाद देख लेंगे तो ये नीचे से पक चुके हैं। इनको अब हम इस तरीके से पलट देंगे। इतने आसानी से पलटे जा रहे हैं जबकि हमने तेल बहुत ही कम इसमें इस्तेमाल किया था। इस तरीके से हम सारे पकौड़ों को पलट देंगे और इनको दूसरी तरफ से भी अच्छे से पकने देंगे। सबसे पहले मैं ये 2 चम्मच बेसन ले लूंगी और अब इसमें मैं सारे सूखे मसाले मिला दूंगी। मैंने ये हल्दी पाउडर मिला दिया, इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक, बादामसर, एक टाटरी है थोड़ी सी की गांठ बन रही है तो इसको इस तरीके से एकदम बारीक करके मैं डालूंगी। तो बिल्कुल हमें बस एक चुटकी के बराबर ही इसमें डालनी है, नहीं तो ज्यादा खट्टा कर देगी। और हम इसमें डालेंगे ये दही। अब मैं इसमें पानी मिलाऊंगी, लगभग 2.5 कप मैंने इसमें पानी मिला दिया है। और अब हम एक बार मिक्सी में चला देंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो ये मैंने इसको एक बार मिक्सी में चला दिया है। तो अब कुकर में हम सबसे पहले तेल गरम करेंगे और अब मैं इसमें जो हमने बनाया था कढ़ी का मिक्सचर वो डाल दूंगी और इसमें मैं साथ में ये पालक भी डाल दूंगी। साथ ही में मैं ये अदरक और हरी मिर्च भी इसके साथ ही डाल दूंगी इसमें। अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स करके मैं इसको मीडियम फ्लेम पर लगभग 2 से 3 विसल के लिए पका लूंगी। तो अब यहाँ पर 3 सीटी आने के बाद हमारा कुकर ठंडा हो चुका है। ये हमारी कढ़ी और पालक दोनों बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं, अच्छा सा इसमें कलर आ गया है। तो अब हम इसको एक बर्तन में खाली कर लेंगे। कढ़ी अब तैयार है, अब हम इसमें छौंक की तैयारी कर लेते हैं। तो एक छौंक के बर्तन या कढ़ाई में हम घी गरम कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे ये मेथी दाना। जब ये थोड़ा भूरा होने लगेगा तब इसमें डालेंगे ये लौंग। गैस इस समय एकदम धीमा कर देंगे हम। इसके बाद इसमें जीरा और राई मिला देंगे। 30 सेकेंड बाद इसमें हींग, साबुत लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डाल देंगे। अब आखिर में इसमें एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए डाल देंगे, लाल रंग के लिए, और गैस को तुरंत बंद कर देंगे। अब ये छौंक कढ़ी में मिला देंगे और एक एक करके सारे पकौड़े इसमें डाल देंगे। अब ये कढ़ी पकौड़ा बिल्कुल तैयार है। आखिर में इसको थोड़े धनिया पत्ते के साथ गार्निश करेंगे और फिर इसे गर्मा गर्म चावल या रोटी किसी के भी साथ परोस सकते हैं हम। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को क्लिक करें। अगर आपको मेरी और रेसिपीज और वीडियोस देखने हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक करें और उसके पास दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी कोई भी नई रेसिपी अपलोड होते ही आपको उसके बारे में पता चल जाए।